हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बीनूस किचन। बीनूस किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने गोभी को 5 to 7 minutes ऑफ मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया 10 to 15 minutes में। इससे मैंने 1 to 2 tablespoons जो है सॉल्ट का ऐड किया है ताकि आपके आलू जो है नमकीन बॉयल हो। यहाँ पर मैंने ऑनियन जो है उनको चॉप कर दिया था और उनको एटलीस्ट 5 to 6 minutes तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियन फ्राई करने के बाद उसमें मैं चॉप ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 2 to 3 minutes तक फ्राई करें। पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मैं चिकन जो है वो ऐड कर रही हूँ। चिकन के आप क्यूब्स बना लेंगे इस तरीके से और उनको ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करें। फ्लेम आप मीडियम से लो रखेंगे। चिकन को यहाँ पे फ्राई करने के बाद इसमें 1 to 2 जो है चॉप टमेटोज ऐड कर दें। उसके बाद आप इसको मज़ीद मिक्स करके फ्राई करें। स्पाइसेस पे यहाँ पे आप 1 tablespoon सॉल्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 cup योगर्ट ऐड किया। योगर्ट को आप अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। यहाँ पर आपने आलू डाले हैं, आलू बॉईल कर लिया था। उसके बाद 1 to 2 tablespoons जो है इसमें अचार के पीसेज ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 tablespoon जो है हल्दी का ऐड करेंगे। 1 tablespoon यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेज ऐड करने के बाद इसमें आप जो है गोभी ऐड करेंगे, गोभी जो आपने फ्राई करके रख लिया था। गोभी के ऐड करने के बाद इसमें 1 tablespoon कलौंजी का ऐड कर रही हूँ। कलौंजी आप इसकी ऐड करें ताकि इसमें इसकी जो खटास जो है इसमें ऐड हो जाए और आप इसकी स्टीमर कर लें अपनी हांडी को।